दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगार के आवाज कार्यक्रम आपका सबका स्वागत है। दोस्तों आज मदनलाल जी सैनी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई और वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का निष्कर्ष ये निकला, उन्होंने पूरे मुद्दे देखने के बाद उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री से स्पेशल मिलेंगे और आपकी बात रखेंगे, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपके प्रतिनिधिमंडल को फिर बुलाया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री किन मांगों के लिए सहमत है। दोस्तों लगभग हमारी 15 से 20 मिनट उनसे वार्ता हुई थी, लेकिन दोस्तों वार्ता तभी सफल होगी जब ये लोग बोली देने से बाज आएंगे और हमारा जो हमारी मांगे उनके आदेश जारी होंगे, क्योंकि हमने प्रमुख 6 मांग जो भी थी, बाहरी राज्यों वाला मामला हो, जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा राजस्थान के भर्तियों में कम करने का मामला हो, तकनीकी सहायक में पद बढ़ाने का मामला हो, रीड सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला हो, सेकेंड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया का मामला हो, और वेटेज का मामला हो, या एक प्रमाण पत्र की नौकरी लग रही जो पोस्टेड अभ्यर्थी जो सीट खाली करके छोड़ गए हैं, उन पोस्टों को इस पोस्टों में इस भर्ती में समायोजित करके बेरोजगारों को मौका देने का मामला हो, तमाम कई इनको मांग पत्र सौंपा था और उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मंत्री स्तर का मामला नहीं है, ये मुख्यमंत्री लेवल का मामला है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर और फिर ही वो आप लोगों से द्वारा प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर वार्ता की जाएगी। दोस्तों पिछली बार जो 5 जुलाई को हम भाजपा कार्यालय पूछे थे तो उन्होंने वहां से बेरोजगारों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, करीब 5 दिन हम एक दिन सिपरापा थाने में और 4 दिन सेंट्रल जेल में रहे, इसके बावजूद हम आए और फिर खुला चैलेंज देते हुए भाजपा कार्यालय आज फिर गए, वार्ता भी की, लेकिन दोस्तों मैं वार्ता को सकारात्मक तब मानूंगा जब उसका नतीजा आएगा, परिणाम आएगा, उसके आदेश होंगे। हालांकि काफी लोगों की मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, क्योंकि जन्मदिन कल है, आज नेट बंद रहेगा, कल और परसों 2 दिन काफी लोगों ने शुभकामनाएं दी, काफी लोगों ने बधाई दी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का ही प्यार मेरे साथ है, आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है, तो पूरी सरकार से टक्कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार इतनी तानाशाही बन चुकी है, कभी जेल में डाल ली है, कभी मरवा भी सकती है, कभी फंसवा भी सकती है, लेकिन हमारे इरादे चट्टान जैसे मजबूत है, हम हार मानने वाले नहीं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों कल राजस्थान पुलिस भर्ती की परीक्षा है, सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि तमाम मांगों के लिए हम लगातार प्रयास करें, मैं प्रदेश के सभी बेरोजगारों को आह्वान करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुराज गौरव यात्रा पुनः निकाल रही है, उनका सपना है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोस्तों प्रत्येक जिले में हम लोगों को चट्टान बनकर मुख्यमंत्री का विरोध करना बात रखनी है, कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं माने तो आपका सुपड़ा साफ हम करेंगे। दोस्तों हर जिले में मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, अभी तैयारी करो, क्योंकि इन लोगों को चारों तरफ से घेराव किया जाएगा, तभी कुछ होगा। हालांकि जैसे भाजपा कार्यालय में गया था, हर व्यक्ति यही कह रहा था आप जेल से कब आए, आप जेल से कब आए, यानी कि एक दबाव उनके ऊपर था कि बेरोजगार नाकुश कैसे है। अमित शाह जी भी आने वाले हैं, उनके चंद्रशेखर जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब ये सुराज गौरव यात्रा निकलेगी तो पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की आवाज उठेगी, तो वसुंधरा राजे क्या, अमित शाह क्या, मोदी जी को सुनना पड़ेगा। इसलिए आप लोग 1 अगस्त से वसुंधरा राजे की जो सुराज गौरव यात्रा निकलने वाली है, उसके लिए पूरी तैयारी के लिए प्रत्येक जिले में मैं खुद भी पूछूंगा, मिलेंगे, विरोध करके आवाज उठाएंगे। दोस्तों हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए इस तैयारी के साथ ही जैसे वो दोबारा बुलाते हैं, यदि दोबारा बुलाते हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोस्तों कोर्ट में जो लेवल फर्स्ट में इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आपको मैंने पहले बता दिया था, मैं आज लाइव इसलिए आया हूँ कि जिन लोगों ने जन्मदिन की बधाई दिया उनको धन्यवाद देने के लिए, इसके और इसके अलावा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो वार्ता वो बताने के लिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ दोस्तों मैंने एक सवाल किया था कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पहले राजस्थान में बेरोजगार की अहमियत एक पखवाल जैसे थी, कोई भी पार्टी आती थी गोल करके चली जाती थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा, इस वजह से कोई भी, लेकिन अब जैसे चुनाव में बेरोजगारों ने भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को जब उनका आईना दिखाया तो उसके बाद बेरोजगारों की अहमियत बनी, भर्तियां भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम इतना गंदा है कि हर भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, 6-6 साल 4-4 साल 5-5 साल लग जाती है, गलती अधिकारी करता है, सजा बेरोजगारों क्यों मिलती है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास करें, लेकिन राजस्थान का हर युवा आवाज उठाएगा, हर युवा यही कहेगा कि यदि आपने सिस्टम को सुधारा नहीं, समय पे भर्ती नहीं की और जो विसंगतियां उनको दूर नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में राजस्थान के बेरोजगार भाजपा मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे। हम सबको मिलकर लड़ना होगा, दोस्तों वर्तमान सरकार की नीतियां यही है कि बेरोजगार को लड़ाना, विसंगतियां अधिकारियों के द्वारा छुड़ा देना और भर्तियों को उलझा देना और लड़ाना इनके उद्देश्य है, लेकिन दोस्तों हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, हम लोग सिस्टम में सुधार के लिए चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे मोदी हो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा जो 1 अगस्त से सुराज संकल्प यात्रा है उसकी तैयारी आप सबको करना है, मैं खुद आपके बीच में मौजूद रहूंगा, लेकिन जो 54,000 की भर्ती से काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती कब पूरी होगी, दोस्तों आपके अरमान जल्द पूरे होंगे, जल्द ही आपकी भर्ती पूरी होगी, पूरा प्रयास रहते हैं, पूरा दबाव हमने बना रखा है, लेकिन यही बताना चाहूंगा कि हम लोग आगे के लिए चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो,
सही समय पे भर्तियां हो, कई विभागों में भर्तियां अभी तक नहीं आई। चाहे कंप्यूटर शिक्षक की बात कर लीजिए जो स्वराज संकल्प यात्रा में बात की थी, चाहे तकनीकी सहायक भर्ती में पद बढ़ाने की बात हो, चाहे कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका देने की बात, मैं लंबी चौड़ी लिस्ट है। दोस्तों तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं रुक गया था, लेकिन इतना कह सकता हूँ दोस्तों आज कई बेरोजगार आत्महत्या कर लेते हैं। कारण गलत सिस्टम, गलत सरकारें, गलत अधिकारियों के आदेश, डिसीजन और गलत मंत्रियों की नीति। दोस्तों हम सबको मिलकर इस सिस्टम को बदलना होगा, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। दोस्तों जब तक आप जागोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, सिस्टम में सुधार नहीं होगा, हर भर्ती कोर्ट में अटकती रहेगी, हर बेरोजगार कोर्ट में चक्कर काटता रहेगा, हर बेरोजगार होता रहेगा, कई बेरोजगारों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज 70,000 से ज्यादा भर्तियां लंबित है, जिसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ सरकार और सिस्टम और वहां बैठे अधिकारी। जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का नियम नहीं बनेगा, जब तक बेरोजगार बोर्ड नहीं बनेगा, जब तक भर्तियों संबंधित कोर्ट नहीं बनेगी और जब तक तमाम विसंगतियों को दूर नहीं की जाएगी, यानी कि सरकार चाहे तो सिस्टम को बदल सकती है, सरकार चाहे तो सिस्टम को बिगाड़ सकती है। तभी तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सरकार की अरुचि है, सरकार की विफलता है। लेकिन दोस्तों आप सबको मिलकर इस सिस्टम को सुधार करना होगा और इसकी शुरुआत हमने कर दी है जो भाजपा मुक्त राजस्थान अभियान चला रहे हैं। वो एक खुला चैलेंज है और खुला चैलेंज इसलिए दिया जा रहा है कि आपने युवाओं की बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में आपका सुखा साफ होगा। दोस्तों जो भाजपा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत हमने 15,000 सदस्य बनाए, 1,00,000 का टारगेट है, हर जिले में जाएंगे। लेकिन एक ये आंदोलन का रूप है, सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतना ही कहता हूँ कि आपके विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं सुबह से मैसेज देख रहा था, काफी लोगों ने विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा मरते दम तक मेरा एक एक खून का पता नहीं, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी लाइव जाता है, लेकिन इतना कह सकता हूँ जो तमाम मांगे हैं उसके लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है और लगातार जारी रहेगा। क्योंकि आज इस लड़ाई में आप सबको मिलकर लड़ना होगा। और इसके अलावा दादा मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ कि या नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लाइव कट रहा है और मैं काफ़ी बातें आपको कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अगले लाइव में मैं पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या और क्या उद्देश्य है। और मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग कल के लिए जो राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, और आप लोगों को जल्द ही परिणाम मिलेगा, लेकिन हम सब